नमस्कार दोस्तों, भक्ति नगरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपने में तेल देखने का क्या मतलब होता है, सपने में तेल देखना शुभ होता है या फिर अशुभ होता है, ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, सपने में तेल हम विभिन्न अवस्थाओं में देख सकते हैं। सपने में तेल देखना हर तरह से अशुभ होता है। बस एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें तेल देखना शुभ होता है। एक एक करके मैं आपको उन सारी कंडीशन के बारे में बताऊँगी। तो दोस्तों, अगर आप सपने में तेल देखते हैं तो यह सपना अशुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में तेल देखने का मतलब है कि आपके जीवन में समस्या आने वाली है, आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप सपने में तेल लगाते हुए देखते हैं, या तो खुद को लगाते देखते हैं या किसी और को लगाते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको शारीरिक कष्ट, बीमारी या अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सपने में अगर आप तेल गिरते हुए देखा है तो यह सपना भी अशुभ सपना होता है। यह सपना शारीरिक कष्ट और परेशानियों का संकेत होता है, आपकी तबीयत बिगड़ने का संकेत देता है। अगर आप सपने में ज़मीन पर तेल फैला हुआ देखते हैं तो यह सपना शारीरिक कष्ट और बीमारी का संकेत देता है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आप सपने में तेल को पीते हुए देखते हैं, या तो खुद को पीते देखते हैं या किसी और को पीते हुए देखते हैं, तो यह सपना बेहद ही अशुभ होता है। आपको कोई बीमारी लग सकती है, आपकी सेहत ज़्यादा खराब हो सकती है। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें तेल देखना शुभ होता है और वह है सपने में तेल का दान करते हुए देखना। यह सपना शुभ और सकारात्मक सपना होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में खुद को तेल का दान करते हुए देखता है तो उसके आने वाले समय में उसकी सभी परेशानियां दूर होंगी, कठिनाइयां समाप्त होंगी और आने वाला समय सुखमय होगा। सपने में तेल का दान करने का मतलब है कि आपकी सारी मुश्किलें खत्म होगी और ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।